बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोलना था। सर ये तो फिर डॉक्टर मरीज को कभी ये नहीं कहता कि तुम मरोगे, है ना? हाँ, सही बात। अगर मैं इसे बोल दूंगा ना, बच्चे बहुत फेल हो जाएंगे। और पेपर ये लीनियंट चेकिंग करवाएंगे, चिंता मत। आ जाओ भाई, स्वामी के बच्चे कब से डरने लगे यार? आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे पेपर इधर राउंड हो रहा हूँ, इधर हाँ चलेगी, वायरल हो जाओ। मुझे स्वामी स्कूल बहुत पसंद है। तुम्हारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे पहले वाले, उनका नाम मैं भूल गया, क्या नाम था? नहीं, उनसे उनके बाद वाले राठी सर तो मेरे मित्र हैं, वो तो मेरे सीनियर हैं। एक्चुअल में हम दोनों ने एक साथ एक ही कॉलेज से एमएससी करी है। बट शुरू है ना आपका, एक सर थे उनका बेटा मुझसे पढ़ा है, वो बैच पूरा ही कामयाब निकल गया था, एनडीए में सारा बैच उनका। चलो बात करते हैं, आपका नाम क्या है? वंश वर्मा। ये स्वामी विवेकानंद के बच्चे हैं। स्वामी विवेकानंद स्कूल आरएसएस का है, सेक्टर 3 साहिबाबाद में। बहुत ही बढ़िया स्कूल है पढ़ाई के मामले में। आपका नाम? वंश वर्मा। अभय निर्माण। अंश डागर। आदर शर्मा। नारायण नागर। नारायण, क्या बात है। उत्पल राय। निकुंज कुमार। भव्य कौशल। भाई पहला क्वेश्चन ये है मेरे पास है, सेट 3। कोई सेट 1 देना चाहता है अपना? मैं रख लूंगा फिर, दूंगा नहीं। ठीक है, सेट कौन सा था? 3। 2 था। 1 था। 2। 1 था। 2। सेट 3 किसी पे नहीं आया तुम में से? मेरे पे था। सेट 3 हार्ड था सबसे ज्यादा, जितना मैंने देखा है अब तक। और कितने नंबर का हो आपका? करा तो पहले तो पेपर को जब तुमने 15 मिनट तक पढ़ा तो तुम्हें कैसा फील हुआ उस टाइम? उसी टाइम टेंशन हो गई थी पेपर की, तो शरीर ठंडा पड़ गया था बिल्कुल। कैसा फील हुआ? समझ ही नहीं आया। एमसीक्यू तो सारे छोड़ दिए, फिर लास्ट पेपर करना शुरू किया। एमसीक्यू आए? एमसीक्यू तो 16 थे और 12 एमसीक्यू थे और 4 आपके सेशन रीजन थे। और वैसे केस बेस्ड के देखे जाए तो फिर 24 थे। पेपर देखने के बाद आपने प्लानिंग क्या करी, कितने क्वेश्चन कर पाऊंगा मैं? मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा गया या नॉर्मल थे आप? अंधेरा ही छा गया था। बाकी टीचर्स हमारे स्कूल के खुद कह रहे हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में सबसे टफ आया ये पेपर। ये पेपर हार्ड है। हाँ। तो जब पीछे से स्टार्ट किया था सेक्शन ई से, वो इजी था ज़्यादा, और ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग भी था। कितने नंबर आ जाएंगे आपके हिसाब से? नंबर तो आ जाएंगे मतलब 40-50 के बीच में। आपके? मेरे तो खत्म ये मामला। मतलब फिर भी एक अंदाजा होता है? अंदाजा ये है जो पास हो जाऊंगा तो मंदिर हो जाऊंगा एक बार। अच्छा, अभी उम्मीद नहीं है आपके पास? हाँ, उम्मीद तो नहीं। मेरा आशीर्वाद है आप पास होंगे और आप फेल तो नहीं होंगे। आपका मेरा आशीर्वाद है, पास तो पक्का होंगे। पास हो गए, पास। फेल नहीं होगा कोई भी। आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ। आओ भाई, शेड चीत तुम वीडियो से स्वामी के बच्चे होकर ऐसा कर रहे हो तो फिर ये हमारे स्कूल का जादू। जादू? आपका जादू है? मैं कुछ भी क्या। नाम क्या आपका? अभय। अभय, पेपर कैसा था? पेपर अच्छा गया, पर एमसीक्यू में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। और कंप्रेशन वाले में बाकी सब तो अच्छा गया, बी और सी सेट में। कितने नंबर आएंगे आपके साथ? 40 पक्के करीब। 40 उत्तर में से? यार बहुत बड़ी बात है, इतने हार्ड पेपर में। प्रीबोर्ड में फेल था। मैंने अपने 10 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये 2020 के बाद सबसे हार्ड पेपर है। 2020 में आया था हार्ड पेपर, इसके बाद ये फाड़ू पेपर आ गया। आप क्या कहोगे पेपर के बारे में? पेपर एमसीक्यू जो बाकी जो 2 नंबर 3 नंबर 4 5 नंबर क्वेश्चन थे वो तो आसान थे, पर एमसीक्यू उसके मतलब एक लेवल हाई के थे। डेरिवेशन कितने हैं? डेरिवेशन 4 से 5 थे। 4 से 5 थे। प्रिज्म वाला आया होगा एक? नहीं, प्रिज्म वाले इस बार नहीं। लेंस मेकर फॉर्मूला? लेंस मेकर भी नहीं था। डेरिवेशन तो बहुत कम। म्यूचुअल इंडक्शन आया। इधर आओ। नाम क्या आपका? विशेष। स्वामी? जेडी एकेडमी। जेडी एकेडमी यहां सेंटर लगा हुआ है? डीएलएफ। अच्छा, इधर आ जाइए प्लीज। निर्माण सर की एकेडमी है ना? तो पेपर कैसा लगा आपको? ओके था। डेरिवेशन कौन कौन से आए? म्यूचुअल इंडक्शन आया और क्या कहते हैं, एक सेकंड। अनुराग तेरे क्लासेस चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर रखा है सबने तो? हाँ मेरे याद है, मेरे याद आ गया आपको। तो जैसे पेपर आया तुम्हारे पास तो तुमने कितने घंटे में खत्म कर दिया? लास्ट तक लगे रहे। पेपर तो थोड़ा लेंदी था ही। थोड़ी हेल्प हो रही है टीचर की तरफ से या कुछ? हाँ नहीं, कुछ नहीं अभी। पेपर तो कर दिया, जो पूछा नहीं था वो भी कर दिया। 3-3 डेरिवेशन कर दी गॉस लॉ की, 40 से ज्यादा ही क्वेश्चन कर दिए। 32 क्वेश्चन थे जो नहीं आता था। एक मिनट, 25 क्वेश्चन थे, 40 से ज्यादा कर दिए? नहीं, 32 क्वेश्चन थे। अपने आप, अपने 40 से ज्यादा नंबर आए, अपने आप क्वेश्चन कर दिए, अपने आप बना के क्वेश्चन जो नहीं करे। एक मिनट, दोबारा बताओ। जो क्वेश्चन नहीं आते थे 3 बॉस, जो आता था सब लिख दिया, रात को जो पढ़ा सब। शेर नाम बताओ अपना। आदर्श शर्मा। आदर्श भाई ये बताओ, जैसे आपने अपनी तरफ से क्वेश्चन कर दिए तो इसका फायदा मिलेगा आपको, ये मैं बता दूं, क्योंकि टीचर ये देखते हैं कि बच्चे को पास कर दें। तो आपके हिसाब से मार्क्स कितने बैठे आपके रियल में? रियल में तो मतलब बैठ जाएंगे 30-40। सेक्शन ही बहुत अच्छा। नहीं, सेक्शन ही पूरा अच्छा गया था। नारायण से पूछते हैं, नारायण आपका क्या स्कोर रहेगा? मेरे इसके अंदर थ्योरी के अंदर 35-40 की जा रहा आसपास में। हाँ, और प्रैक्टिकल में कितने दिए स्कूल में? प्रैक्टिकल में मिल गए 28-29। आगे क्या प्लान है आप लोगों का पढ़ाई के बाद, 12वीं के बाद क्या करोगे? बीटेक। बीटेक। बीटेक।
पता नहीं अभी ऐसे कुछ पापा के साथ काम करेंगे बिल्डर पापा ऐसे पापा बिल्डर हैं कहाँ पर काम करते हैं पापा नोएडा में ग्रेटर नोएडा में अरे वाह ग्रेजुएशन बीटेक क्या आईटी गाजियाबाद आईटी गाजियाबाद जो 11th के बच्चे 12th में आएंगे उनको क्या सजेशन दोगे फिजिक्स कैसे पढ़ें थ्योरी पे नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो शुरू से ही पीवाईक्यू और एनसीईआरटी की बैक मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी नहीं ऐसा नहीं मैथ्स के लिए एनसीईआरटी एग्जांपल और पीवाईक्यू 5 साल के बस और कुछ नहीं सर पर चार्जिंग में तो कर ही नहीं सकता मैं मुझे तो देखो फिजिक्स तो हार्ड ही आता है और मैंने बहुत मैं कई महीनों से वीडियो बना रहा था कि फिजिक्स हार्ड आएगा लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल सकते बच्चे बहुत सारे इतने सीरियस बच्चे होते हैं कुछ भी कर सकते हैं अब तो हो गया हार्ड अब क्या होगा केमिस्ट्री नहीं मैं तो कई महीने से बोल रहा हूँ पेपर हार्ड आएगा कई महीने से सर 11th में लेनी नहीं चाहिए पहले तो साइंस 10वीं में अपना डिसीजन लेंगे 10 के एग्जाम से लेनी चाहिए नहीं वैसे भी यही सर क्यों साइंस क्यों लेनी चाहिए साइंस लेके बंदा खत्म हो जाता है हाँ साफ सीधी बात ही खत्म हो जाता है बंदा फिनिश हो जाता है बीसीए भी कर सकते हैं बहुत सारे कोर्स हाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं आईटी का जेई का पेपर दिया था अभी फर्स्ट वाला हुआ है कितना परसेंटाइल आया था 82 मैंने नहीं दिया था 52 आए थे मेरे 58 49 आए थे मेरे पहले वाला था ना सबसे हार्ड वाला ये बच्चा इतना हैंडसम है पर इसके अंदर सार्कास्म बहुत भरा हुआ है और ये इसका ब्रेन बहुत शार्प है मतलब कोई कहेगा नहीं इतना चॉकलेटी लड़का इतनी अच्छी बातें करता है मेरा सेंटर तो 800 किलोमीटर दूर पड़ गया कहाँ गाजीपुर अरे गाजीपुर वो हाँ वो आपने भरा होगा ना सेंटर वो तो एक बाय मिस्टेक हो गया गाजियाबाद का गाजीपुर हो गया ये गाजियाबाद की बजाय गाजीपुर भर दिया तो चलो विश यू ऑल द बेस्ट लेकिन सेकंड अटेम्प्ट का भर दिया है क्या भरा है फॉर्म अच्छा भर दिया देखो अपने आप को जेई से या नीट से अपने आप को तुलना मत किया करो कि आपके जेई में 80% ले तो आप बेकार ऐसा नहीं है हाँ अभी चलेगी थोड़ी देर बाद ही और दुनिया के सबसे बड़े जो कामयाब लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं ये बात समझो आप और डिग्री कोई डिग्री एक पेपर है पीस का पीस ऑफ पेपर और कुछ नहीं है ठीक है विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू शेर शेर